हाय फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त पवन। फाइनली हम लोग आए हैं दिल्ली के लाल किले पे और टिकट भी हमने ले ली है जो कि 80 रुपये की है और विद म्यूजियम की लोगे तो 50 रुपये में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था लक्खा तोप के बारे में, जो कि मैंने वीडियो क्वालिटी बना रखी है और आई बटन पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस तोप ने इस लाल किले की नींव हिला दी थी और फाइनली हम इस पर वीडियो बनाने आए हैं और चलते हैं अंदर का व्यू देखते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटा दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा आपके आगे लाता रहता हूँ। तो गाइस चलते हैं अंदर और देखते सुने रखें। फ्रेंड, ये बाहर का व्यू है। फ्रेंड, ये है मेन गेट। और मेन गेट पे दो तोप रखी हुई हैं, एक आपके राइट साइड में है और एक आपके लेफ्ट साइड में है। यहाँ लाखों पर्यटक आते हैं। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं गेट के अंदर। फ्रेंड, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बना रखी हैं जो कि बंद कर रखी हैं अभी। देखिए फ्रेंड, ये किले के अंदर यहाँ दुकानें वगैरह लगती हैं। देखिए फ्रेंड, किले की छत का नज़ारा है। फ्रेंड देख सकते हैं, ये दावत खाना गेट है। फ्रेंड चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या है। पार्क सा बना हुआ है यहाँ पे और पीने के पानी की व्यवस्था है यहाँ पर। काफ़ी बड़ा पार्क है। कढ़ाई कितनी सुंदर बनी हुई है। फ्रेंड इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ का व्यू। फ्रेंड ये देखिए, ये नक्शा बना हुआ है हमारे भारत का। उस टाइम की इमेज है जब यहाँ राजा रहता था, 1857 की। ये फ्रेंड उस जमाने की तलवारें हैं। देखिए फ्रेंड, उस जमाने की चीज ऐसा हुआ करते थे। कलमदान है ये फ्रेंड, 1857 का समाचार पत्र है। गाय को मत मारो फ्रेंड। शाहनवाज पुरानी दिल्ली का ये नक्शा है। माता होती है पुरानी दिल्ली का। फ्रेंड बहादुर शाह ने जब गाय की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था तब का ये प्रमाण पत्र है। ये जमाने में एग्रीमेंट बोलते हैं। ये फ्रेंड उस जमाने का धनुष है।
फ्रेंड उस जमाने की, देखिए फ्रेंड ये उस जमाने के हथियार हैं। और दूसरी मंजिल पर चलकर देखते हैं फ्रेंड क्या है। फ्रेंड उस जमाने के गोले और यह तलवार बहादुर शाह जफर की तलवार और म्यान दोनों चीज है। ये फ्रेंड बहादुर शाह जफर के कपड़े हैं वस्त्र। फ्रेंड ये नेता सुभाष चंद्र बोस जी का म्यूजियम है, इसमें उनके विचार उनके सारा जीवन इस म्यूजियम के अंदर दिखाया गया है। उनके सारे दस्तावेज जीवन की सारी घटनाएं इस म्यूजियम के अंदर दिखाई गई है। ये बाबा साहब का कोलकाता वाला घर है और फ्रेंड ये उनकी गाड़ी। ये फ्रेंड उनकी टोपी है, नेताजी की कैप है। ये उस जमाने के फ्रेंड उस जमाने के ये मेडल्स हैं और कंधे पे जो लगता था वो भी है। उस जमाने का झंडा है। फ्रेंड ये वो झंडा है जो उनकी कार पर लगता था। फ्रेंड आज़ाद हिंद फौज की सैनिक का एक पहचान पत्र है। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक का पहचान पत्र है। ये फ्रेंड आज़ाद हिंद फौज के तागे और पदक हैं जो कि उन्होंने युद्ध में जीते थे। टाइम हम लोग उसके मेडल तोड़ दें। ये आज़ाद हिंद फौज के मेजर कमांड कमान कंधे पर लगाए जाने वाले बैज हैं। और फ्रेंड ये उनकी चेयर है जिस पर वो बैठा करते थे। ये फ्रेंड नंदलाल बोस जी के कुछ दस्तावेज हैं और फोटो इमेज। ये उनकी बुक्स और प्रमाण पत्र हैं। ये देख रहे हैं ये किले का मंडप है, इसकी खूबसूरती काफ़ी लाजवाब हुआ करती थी किसी ज़माने में। और ये दाएं बाएं दो मंडप बने हुए हैं, सावन भादों के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ म्यूजिक फंड वगैरह चलता था, ये देखिए। और एक उधर मंडप है, इधर को सावन उधर को भादो बोला जाता है। और ये सफ़ेद संगमरमर के बने हुए हैं। फ्रेंड इसी तालाब के जरिए यहाँ से ये म्यूजिक फंड चलते हैं। एक मंडप आप उधर भी देख रहे हैं और एक मंडप इधर है और फ्रेंड एक मंडप उधर है। इस चारों साइड एक एक मंडप बना हुआ है। फ्रेंड इसको बोलते हैं मोती मस्जिद।
क्योंकि लाल किले के अंदर है। काफी खूबसूरती से बनाया गया है। ये उनकी मस्जिद हुआ करती थी, यहाँ पर सब लोग नमाज पढ़ते थे। ये उनके नमाज का स्थल था। काफी बड़ी मस्जिद बना रखी थी उन लोगों ने किले के अंदर। ये अंदर जाने का रास्ता था जो कि अभी फिलहाल बंद कर रखा है। मस्जिद के आगे म्यूजिक फाउंड है। ले भाई ये खेती है इससे। भाई देखिए कितनी विशाल दीवार बनी हुई है यहाँ की।